वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 10 से 15 मिनट के अंदर आप ये ब्यूटीफुल सा ग्लैम फेस्टिव मेकअप कैसे कर सकते हैं। वेरी क्विक, वेरी इजी टू डू एंड बहुत ही जल्दी ये हो जाएगा। बहुत ज़्यादा झंझट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी फेस को मॉइस्चराइज एंड प्राइम कर लिया है। एंड अगर आपको आई मेकअप डायरेक्टली देखना है तो आप प्लीज़ टाइम स्पैन फॉलो कर सकते हैं, बट आई फॉलो द सेम मेथड टू क्रिएट माई बेस। सेम प्रोसेस है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। सो एज यू कैन सी, फाउंडेशन के लिए मैंने मेबलिन का फाउंडेशन यूज़ किया है जो कि फुल कवरेज फाउंडेशन है। इसको ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर वेट होना चाहिए एंड उसको स्क्वीज़ करके मैंने एक्चुअली अप्लाई किया है। इससे क्या होता है, आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है फेस पे, बहुत नेचुरल भी दिखता है एंड बहुत इजीली भी ब्लेंड हो जाता है। क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कोई भी फेस्टिवल के पहले रेडी होने का, ये जो लुक है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है एंड आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं मैंने अंडर आइज़ को भी कंसील कर दिया है विद द हेल्प ऑफ सेम मेबलिन का फिट मी कंसीलर। आई एम इन द शेड 01 लाइट नेचुरल। अगर आपको कंसीलिंग की ज़रूरत नहीं है तो ऑल्सो यू कैन स्किप दिस स्टेप एंड डायरेक्टली आप फाउंडेशन के बाद कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कंसीलर को मैंने वही जगह में प्लेस किया जहाँ मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत है। एंड ये जो कंसीलर है ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है मेरे स्किन टाइप पे। अगर आपका स्किन टोन मेरे जैसे है तो ऑल्सो यू कैन यूज़ द सेम शेड दैट इज़ 01 एंड अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगी आईलिड में भी, क्योंकि जो भी आई मेकअप इसके बाद हम करने वाले हैं वो अच्छे से पॉपअप होके दिखेगा। कंसील करने के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने फेस को पैक करें, क्योंकि चांसेस होते हैं कि आपके जो कंसीलर्स हैं, फाउंडेशंस जो भी आपने अप्लाई किया है, चाहे आपने कम अप्लाई किया है, वो क्रीज करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए आप कॉम्पैक्ट ज़रूर यूज़ करें। एंड यहाँ पे आईब्रो सेट कर रही हूँ मैं यूजिंग माई फेवरेट वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पेंसिल एंड बहुत ही नेचुरल सा शेड है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं है कुछ भी। एज यू कैन सी मैंने बस गैप्स फिलअप किए हैं, नेचुरल रख रही हूँ मैं मेकअप को, एज वेल एज ये ग्लैम भी लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं आई मेकअप से। तो आई मेकअप के लिए मैंने एक बहुत ही लाइट पीच शेड लिया एंड इसको मेरे पूरे लिड पे अप्लाई कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लेंडिंग ब्रश। एंड इसको अच्छे से ब्लेंड करना है सो दैट कोई भी हार्श लाइन ना रहे और आपका जो आई मेकअप है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। यहाँ पे मैं एक गोल्डन शेड ले रही हूँ, ये गोल्डन से थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप ऑफ शेड है। इसको मैं अपने इनर कॉर्नर में अप्लाई करूँगी, फिंगर के हेल्प से कर रही हूँ ताकि ज़्यादा मुझे पिगमेंटेशन मिले। ब्रश के हेल्प से भी आप कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा कलर है एंड मेरे आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से ये मैच कर रहा था। एंड देन मैंने सेम पैलेट से एक डार्क ब्राउन शेड लिया एंड इसको मेरे आउटर वी पे प्लेस किया। प्लेस करके ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड कर रही हूँ एंड इट इज़ द ईजिएस्ट आई शेडो लुक दैट यू कैन क्रिएट फेस्टिव सीजन में स्पेशली, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ग्लैम लुक देता है। एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा ईजिली आप इसको कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है एंड अच्छे से एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके मैंने एजेस को ब्लेंड कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत इजीली ये ब्लेंड हो रहा था एंड दैट्स इट फॉर द आई शेडो गाइज। एंड जो भी लोअर वाटर लाइन है वहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत सेम कलर को ऐड कर लिया है ताकि जो ओवरऑल आई लुक है वो कोहेसिव लगे। ऑल राइट, नाउ दैट वी आर डन विद द आई शेडो विल मूव टूवर्ड्स आर काजल। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का मैग्नेट आई काजल इन द शेड डीप ब्लैक। ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है तो इसको मैं हमेशा आजकल सारे ही लुक्स में यूज़ कर रही हूँ एंड इसको मैं अपने लोअर वाटर लाइन में अप्लाई करूँगी। काजल अप्लाई करने के बाद मेरा जो फेवरेट प्रोसेस है स्मज करने का, वो करूँगी यूजिंग दिस ब्रश। इस ब्रश से बहुत अच्छे से मेरा जो लोअर लैश लाइन है वो स्मज हो जाता है और ये इतना सुंदर इफेक्ट देता है आपके आंखों को एंड आई थिंक दिस इज़ द ईजिएस्ट मेकअप आई मेकअप लुक दैट यू कैन क्रिएट। यू कैन सी मैंने मस्कारा से अपने जो लैशेस को कोट कर लिया है क्योंकि ऑफकोर्स बहुत सारे फॉलआउट्स हुए रहते हैं लैशेस में, वो अच्छा नहीं लगता है। ओके, नाउ विल कॉन्टोर आर फेस यूजिंग अ वेरी लाइट ब्राउन शेड। मैं एक कॉन्टोर ब्रश ले रही हूँ एंड एक्सेस को रिमूव करके मैं अपने फेस में एंड जॉ लाइन में इसको अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं ऐसे सर्कुलर मोशन में ही मैं कॉन्टोर करती हूँ ताकि मेरा जो कलर पे ऑफ है वो एक जगह पे अक्यूमुलेट ना हो एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूट होके बहुत अच्छे से एक ब्रॉन्जिंग इफेक्ट दे। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली द कलर ब्लेंड्स ऑन माई फेस। एंड आपका अगर बेस बहुत अच्छे से
क्रिएट हुआ रहता है, तो कोई भी प्रोडक्ट उसके ऊपर, कोई भी ब्लश, कोई भी हाइलाइटर बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल भी केकी नहीं लगता है। एज यू कैन सी, मैं थोड़ा सा नोज़ कॉन्ट्रोल भी कर रही हूँ यूजिंग अ स्मॉल ब्रश। एंड अभी हम ब्लश अप्लाई करेंगे, तो फॉर द ब्लश मैं यहाँ पर ये लाइट पिंक शेड ले रही हूँ एंड थोड़ा सा हाइलाइटर को मिक्स करूँगी, एक्सेस को डस्ट ऑफ करूँगी एंड उसको अपने चीक में इस तरह से अप्लाई करूँगी। एंड ऐसे बड़े ब्रश से अगर आप ब्लश अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ईजिली एंड यूनिफॉर्मली आपके फेस पे अप्लाई हो जाता है एंड इट लुक्स वेरी नाइस। एंड मुझे ब्लश लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड फॉर द लिपस्टिक, यहाँ पे मैं लिप को बहुत ज़्यादा न्यूड रखूँगी क्योंकि हमने आँखों पे बहुत सारा कलर अप्लाई किया हुआ है एंड आई वॉन्ट द कलर्स टू पॉप, दैट्स वाई मैं इसको न्यूट्रल रखूँगी लिप्स को। एंड लिप्स के लिए मैंने मेबलिन का न्यूड लिपस्टिक यूज़ किया है। नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि मुझे और थोड़ी हाइलाइटिंग की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन द शेड मोल्टन गोल्ड आई गेस इसको यूज़ कर रही हूँ एंड इसको मैं अपने हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट माई फेस टू ग्लो फ्रॉम विद इन एंड दैट्स वॉट आई एम डूइंग। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चंकी नहीं है ये हाइलाइटर, बट एट द सेम टाइम ये बहुत अच्छे से आपके फेस को एक ग्लोई लुक देने में बहुत हेल्प करता है एंड मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। एंड दैट्स इट फॉर द लुक, दैट्स इट फॉर द ग्लैम फेस्टिव मेकअप लुक। आई रियली होप यू हैव एन्जॉयड वॉचिंग दिस एंड अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है एंड पसंद आया है तो जाने से पहले प्लीज़ कमेंट करके बताना एंड लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आई सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।